आपको वो दौर याद है जब साल 2006 के जन आंदोलन में राजशाही को खत्म किए जाने के बाद नेपाल को साल 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, जबकि इससे पहले का नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन जब से नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, तभी से इसे दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। इसकी वजह है नेपाल में आधी से ज्यादा आबादी का हिंदू होना, और इसी वजह से नेपाल में समय समय पर हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रहती है। चलिए आपको बताते हैं आखिर अब नेपाल में क्या हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दरअसल नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। नेपाल पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता देश है जो कभी हिंदू राष्ट्र रहा है। ऐसे में फिर एक बार राजशाही को वापस लाने की मांग की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल को फिर एक हिंदू राष्ट्र बनाकर प्रधानमंत्री का सीधा जनता से चुनाव करवाया जाए। दरअसल नेपाल में आम चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुके हैं। वही जनता की मांग है कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बने, और इसी मुद्दे पर राजनीतिज्ञों ने भी जोर देना शुरू कर दिया है। नेपाल की जनता को लुभाने के लिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा तेजी से आग पकड़ रहा है। दक्षिणपंथीय पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा कर रही है। नेपाल के वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली ने भी कहा है कि वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा समर्थन करते हैं। दरअसल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और ओली की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का दम भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग किसने की। दरअसल नेपाली सेना के पूर्व जनरल रुकमांगुट कटवाल ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान शुरू किया, जिसे हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान का नाम दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि नेपाल की 81.3% जनता हिंदू है, और साल 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र ही था, जिसके बाद कई आंदोलनों के चलते इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद साल 2013 में हुए संविधान सभा के चुनाव में राजा समर्थकों को मात्र 7% वोट मिले थे, जिससे ये साफ झलक गया था कि नेपाल एक सेक्युलर देश है। लेकिन इसके बाद भी नेपाल में राजतंत्र के समर्थक आस लगाए बैठे हुए हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यह आस इस चुनाव में पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।